प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज कोरोना वायरस संक्रमण का बड़ा केंद्र बन गया है। मरकज से निकले कई जमाती कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बड़ी लापरवाही के लिए मरकज के संचालक मौलाना साद के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि मौलाना साद फरार है। इसी बीच क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को दूसरी नोटिस भेज दी है। इसके पहले मौलाना साद ने बताया था कि वो खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर 26 सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन मौलाना साद ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। उसने कहा था कि वो सेल्फ क्वारंटीन में है और मरकज बंद है, जिस कारण वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। मरकज खुलने के बाद ही वो बाकी सवालों का जवाब देने में सक्षम हो सकेगा। मौलाना साद के जवाब से जांच टीम संतुष्ट नहीं हुई और दूसरा नोटिस भी भेज दिया। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच की टीम ने मरकज में पड़ताल भी तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि मरकज में अंदर कोई सीसीटीवी नहीं मिला है। मरकज से जुड़े लोग सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच को मरकज से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी मरकज की जांच की है, लेकिन टीम को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिली है। बताते चले कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में हुए धार्मिक जलसे के बाद कई जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश के 17 राज्यों से जमात से जुड़े लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना वायरस संक्रमित केसों में 30% जमात से जुड़े हैं। जमात के सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन भी किया गया है, जबकि बाकियों को ट्रेस करने का काम जारी है। इस खबर में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।